तो पहले ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। हमने एक रिएक्ट की ऐप बनाई हुई है जिसका हमने नाम रखा हुआ है वेदर ऐप, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट जे एस है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस फाइल का, ठीक है। इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ऐप, और वो एक ही कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है। अच्छा, इस कंपोनेंट के अगर मैं अंदर जाता हूँ यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके, तो मैं ऐप डॉट जे एस एक्स की फ़ाइल में पहुँच जाता हूँ। अच्छा, इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इस फाइल के अंदर मैंने एक अदद ऐप का कंपोनेंट बनाया हुआ है, और इसमें कुछ दो या तीन स्टेट्स हमारे पास बनी हुई हैं, ठीक है। और एक रेफ भी हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। अच्छा, स्टेट को हम डेटा स्टोर करने के काम लाते हैं, और रेफ को हम इनपुट फील्ड से डेटा उठाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं रेफ से सिर्फ इनपुट फील्ड का डेटा ही उठाऊं, बल्कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करने पे जो मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट मिलता है, तो इस रेफ के अंदर भी मुझे वो पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा होता है। कैसे मिल रहा होता है, इनपुट रेफ डॉट करंट करूँगा तो वो मुझे पूरा मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है जी, मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म है बना हुआ जिसके अंदर मैंने लेबल लगाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने इनपुट फील्ड लगाई हुई है एक अदद, और एक अदद बटन इसके अंदर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक वन फील्ड वाला फॉर्म है। अच्छा, जब ये फॉर्म इनपुट के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ तो इनपुट रेफ के साथ मैंने इसको अटैच किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये इनपुट में जो भी कुछ होता है वो रेफ के अंदर मुझे मिल रहा होता है। अच्छा, ऑन चेंज भी मैंने लगाया था स्टेट में डेटा उठाने के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये मैंने बता दिया था आपको। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास क्या है कि जी इस फॉर्म के सबमिशन के ऊपर गेट वेदर करके एक फंक्शन है जो कि चलता है। इस गेट वेदर के फंक्शन के अंदर हम चलते हैं, इसके अंदर हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, लोडिंग को ट्रू करवाया जिसको नीचे मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, लोडिंग स्टेट को ट्रू करवाया। उसके बाद एक API कॉल किए, API के बाद API कॉल सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद लोडिंग को फॉल्स किया है, और सेट डेटा को मैंने सेट डेटा के ज़रिए अपना जो सारा का सारा डेटा था वो स्टेट में मैंने रखवा दिया, ठीक है, डेटा के नाम से जो स्टेट मेरे पास मौजूद थी। और उसके बाद मैंने फॉर्म को रीसेट करवा दिया। अगर किसी भी वजह से फेल होता है, कैच में जाता है, तो उस दर भी मैंने लोडिंग को फॉल्स करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम। नीचे जो मेरे पास जो सेट डेटा करके मैंने डेटा के अंदर जो स्टेट रखवाई थी उसके ज़रिए मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ। लेकिन मैं ये भी दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर इज़ लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडिंग भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो जब तक नहीं चलेगा जब तक डेटा में लेंथ नहीं होगी, डेटा डॉट लेंथ जब तक नहीं होगी, शुरू में एम्प्टी एरे अगर वो है तो ये वाला पार्ट इन टोटली डिस्प्ले होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो क्या डिस्प्ले होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसकी जगह नो डेटा लिखा हुआ होगा, और साथ में लोडिंग भी लिखा हुआ होगा, नीचे नो डेटा भी लिखा हुआ होगा। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ डेटा डॉट मैप ईच वेदर डेटा, और ईच वेदर डेटा करके मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास दो या तीन या चार सिटीज़ का जो डेटा है वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मैंने कहा था कि इसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा कंपोनेंट बना के आपने क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अच्छा, इतने पार्ट के लिए मैं अलहदा से भी कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। इतने पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ किसी दूसरी फाइल में, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के अंदर एक्सटेंसिवली CSS का इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करानी है वो उसको मैं एज अ प्रॉप पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, इसको इस कंपोनेंट को ज़रा सेपरेट करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाके यहाँ पे कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लूँगा, और इस फोल्डर के अंदर मैं क्या कर लूँगा, मैं कर लूँगा कि वेदर कार्ड डॉट JSX, ठीक है। वेदर का मैं W कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, वेदर कार्ड डॉट JSX। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कॉन्स्ट वेदर कार्ड इक्वल्स टू ठीक है, ये मैंने वेदर कार्ड ऐसे लिखा, और मैंने कहा वेदर कार्ड में ना मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, सही है। वेदर कार्ड के अंदर क्या मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। और फिर मैं रिटर्न कॉल करता हूँ, और रिटर्न कॉल करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो डेटा है ना मेरे पास, ये वाला जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे ऐसे रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि जी यहाँ पे ना डेटा, सही है, मैंने कहा कि जी ये मेरा कंपोनेंट है, इसको ज़रा मैं नीचे ले आता हूँ,
मैंने कहा जी ये मेरा कंपोनेंट है, इसके अंदर एक अदद मुझे प्रॉप मिलेगा डेटा के नाम से, ठीक है प्रॉप हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो ऐसे करके मुझे मिलेगा यहाँ पे डेटा के नाम से, और मैं क्या करूँगा डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम ऐसे डिस्प्ले करा दूँगा, और डेटा डॉट यहाँ पे भी डेटा करना पड़ेगा मुझे, सही है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक बिल्कुल सेपरेट अलग से कंपोनेंट बन गया। अच्छा इस कंपोनेंट के साथ मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट के साथ मैं एक अदद वो भी बनाऊँगा, सी एस एस की भी फाइल एक बनाऊँगा मैं, डॉट सी एस एस, ठीक है। और इस डॉट सी एस एस की फाइल को मैं क्या करूँगा, इस वेदर कार्ड के अंदर अटैच कर लूँगा, इम्पोर्ट डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये इस वेदर कार्ड के अंदर मैंने क्या कर लिया, इसको इम्पोर्ट करवा लिया, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास क्या सिचुएशन है इस वक्त, मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक अदद ऐप डॉट जी एस एक्स की फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर वेदर का डेटा आता है इंटरनेट से और यहाँ पे इधर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है जैसे पहले था। मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया है जो कि अभी तक कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक नया कंपोनेंट मैंने बनाया है जिसका नाम है वेदर कार्ड, और इस वेदर कार्ड के अंदर बिल्कुल वैसा ही कार्ड मैं बना रहा हूँ जो मैंने ऐप डॉट जे एस एक्स में बनाया था। ऐसा कार्ड मैं क्यों बना रहा हूँ, ऐसा कार्ड मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि मैं उसको जो है ना कंपोनेंट के ऊपर मैं लगा सकूँ, जहाँ पे मैं कार्ड दिखाता हूँ उस जगह पे इस कंपोनेंट को मैं इस्तेमाल कर सकूँ, ताकि ये कंपोनेंट मेरा क्या हो जाए, रीयूजेबल कंपोनेंट हो जाए, ठीक है जी। अच्छा तो मेरे पास डेटा है, और अच्छा ये की अब मुझे यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, की मैं जहाँ पे मैप चल रहा है वहीं लगाऊंगा, इधर नहीं लगाऊंगा। अच्छा जी तो मेरे पास सिटी नेम इसका और जो है ना टेम्परेचर, ये दो चीज़ें मैंने डिस्प्ले करवाई थी। मैं दो चार और भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ यार, डिपेंडिंग ऑन माय नीड कि मुझे क्या क्या इस कार्ड के अंदर दिखाना है। तो पहले ज़रा इतने ही कार्ड को ना मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और वेदर कार्ड, ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट पूरा ब्रांड न्यू कंपोनेंट बना के उसको क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब ऐप डॉट जे एस एक्स की फ़ाइल के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पे जो ये मैंने इतना डिव प्रिंट करवाया है ना, इस डिव की जगह पे मैं क्या करूँगा, इस डिव की जगह पे मैं जो वेदर कार्ड था ना मेरा, सही है, वेदर कार्ड को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊँगा। एक मिनट, वो मैंने इम्पोर्ट नहीं किया है, पहले ज़रा उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट वेदर कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश वेदर कार्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है ना, ये नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको डब्ल्यू सी भी लिख सकता हूँ वेदर कार्ड को, तो नीचे मैं डब्ल्यू सी करके इसको फिर एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये वेदर कार्ड यहाँ पे मेरे पास इम्पोर्ट हो चुका है दूसरे कंपोनेंट के, दूसरी फाइल के अंदर से ये कंपोनेंट इम्पोर्ट हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, इस वेदर कार्ड को यहाँ पे लगाऊँगा मैं, ठीक है। इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग बना देता हूँ। अच्छा सेल्फ क्लोजिंग बनाऊँ या मैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग अलग अलग लगाऊँ, एक ही बात है, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग ज़्यादा मेक सेंस है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग जब होगा जब दरमियान में मैंने कुछ लिखना है, इसमें मैंने दरमियान में तो कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में क्या पास कर दूँगा, डेटा के नाम से एक प्रॉप मैंने बोला था कि वहाँ मिलेगा मुझे, और डेटा के नाम से मैंने ये ईच वेदर डेटा यहाँ पे पास कर दिया। अब ये सिंगल लाइन में जो हो जाता है ना मेरी हटा देता है ये, नहीं नहीं वो असल में ये जो लकीर लगी हुई है ना, क्या कर दिया स्क्रीन गई। अच्छा यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, कंट्रोल जेड करता हूँ वापस। अच्छा जी तो मेरा जो डेटा डॉट मैप था ना वो कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। मैं कहता हूँ डेटा डॉट मैप ईच वेदर डेटा जब मुझे मिलता है
तो मैं कहता हूँ वेदर कार्ड को डिस्प्ले करा और उसमें डेटा ये पास कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, वेदर कार्ड को डिस्प्ले करवाता हूँ, बजाय इसके कि मैं खुद का डिव जो लगाता था ना, अब वो नहीं लगाता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे अब मुझे वो की भी इसको देनी पड़ेगी इस जगह पे, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी इंडेक्स आप यहाँ पे दे दो की, सही है, क्योंकि जिस जगह मैप होता है हमें की वहाँ पे चाहिए होती है। अब ये डेटा यहाँ पे से मुझे मिल रहा होगा, तो अब मुझे रिजल्ट क्या नज़र आएगा स्क्रीन पे, रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसा पहले नज़र आता था, ठीक है। यहाँ पे मैं हाथ से डिव लिखता था, अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लगा दिया, ठीक है। आ जाओ इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कराची, एंटर, और यहाँ पे कराची का डेटा आ गया। यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ कनाडा, तो कनाडा का इधर आ गया, सही है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ हैदराबाद, तो यहाँ पे हैदराबाद का, तो पहले भी सेम ऐसा ही रिजल्ट था, अभी भी सेम ऐसा ही रिजल्ट है, ठीक है। जस्ट कैंडी वाला फर्क, लिखिए हाँ, कैंडी वाला कैंडी, के से कैंडी है KENDY, KANDY, इसमें क्या है? अबे जा भाई, 26 डिग्री है। मैच वैच का यार मेरे सामने ना नाम मत लिया करो, मेरा फिर मूड ख़राब हो जाता है। हैं, मैच क्यों देखूँगा, अल्लाह ना करे। हैं, अबे भले पाकिस्तान इंडिया का रहे, मैं तो नहीं देखता क्रिकेट ना। असल में मुझे लगता है थोड़ा नॉनसेंस क्रिकेट में, नॉनसेंस ये कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एट अ टाइम, बाकी लोग जस्ट देख रहे होते हैं खड़े होकर ना। जो प्लेयर्स होते हैं, ऑडियंस तो चलो आती देखने के लिए ना, प्लेयर्स में भी जो ना दो लोग सिर्फ, या दो या तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं एट अ टाइम, और बाकी सारे लोग जस्ट वो उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, फील्डिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली खड़े होकर देख रहे होते हैं वो बस। हाँ यार, मैं ये समझता हूँ ना कि अगर गेम है ना, अगर दो बंदे इन्वॉल्व हैं गेम में तो फिर दो ही बंदे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए फिर। जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, ये भी अच्छा, गेम देखना भी मेरे समझ में नहीं आता, जो लोग गेम देखते हैं ना, ये भी मेरे मेक सेंस नहीं बनता कि यार देख क्यों रहे हो, तो खेलने वाली चीज़ है ना, तो खुद खेलो ना जाके आप, ठीक है। तो बैडमिंटन, टेनिस वगैरह भी मैं खुद खेलता हूँ, देखता वो भी नहीं हूँ मैं, सही है। तो ये सीन है। और फुटबॉल भी जैसे है, फुटबॉल में ना ये होता है कि यार एट अ टाइम तो दो ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्टिल बाकी जो लोग होते हैं ना, उन तक भी कहानी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। हाँ, वो भी ना थोड़े हिलजुल रहे होते हैं, वो स्टिल नहीं खड़े रह सकते। क्रिकेट में स्टिल खड़े रहते हैं वो, ठीक है, उसके अंदर स्टिल नहीं खड़े रह सकते फुटबॉल के मैच में। तो फुटबॉल का मैच इज़ मतलब लिटिल बिट बेटर देन क्रिकेट, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि अगर दो लोगों का गेम है ना, दो ही बंदे होने चाहिए, इतने ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए फिर मैच में ना। फिर दूसरा ये कि भाई हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे जो मैच वैच करवाते रहे ना कराची के अंदर, तो भाई इनको चाहिए कि ये ना करवाएं, इनके बस की नहीं है ये, है ना। तो पूरा सिटी वो बंद कर देते हैं और अजीब सा एक सूरत हो जाती है। यहाँ हो रहा है मैच क्या? अच्छा, वुमेंस का मैच था। तो वेल यार, अब देखो, अब आपके बस की नहीं है अगर, तो आप छोड़ दो ना फिर, बिना वजह आपने मैच कराना है। तो फिर आपने जो है ना, अच्छा अब एक और भी मसला है ना, जो इंटरनल, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात है, ये क्रिकेट वगैरह ये सारे मैचेस जो होते हैं, ये एक्चुअली फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट है ये, ठीक है। तो अब वो वाले फ़ायदे भी मैं तो नहीं देख रहा कि हमारे बंदे उठा रहे हैं वो वाले फ़ायदे भी, तो बाकी लोग तो उठा रहे हैं वो फ़ायदे, है ना। तो वो मैच में लगा के दूसरे काम निकालते हैं पीछे, एक्चुअली मैच में, गेम्स में लगा के ना दूसरे काम निकालते हैं, फिर वो मैच के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे ज़रा एक इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं सम टाइम। तो वो वाले फ़ायदे भी हमारे वाले बंदे तो नहीं उठाते, ठीक है। ये सारा जो मीडिया, हाँ, मीडिया के चैनल पे ये वाले फ़ायदे ये उठा रहे हैं, मैनिपुलेशन करते हैं आवाम की दबा के मीडिया के ऊपर, लेकिन क्रिकेट के अंदर या मैच के अंदर ये चीज़ें ये नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्रिकेट बनाई है ना, तो वो असल में बनाई ही इसीलिए थी उन्होंने, एडिक्शन वाली गेम उन्होंने बनाई थी। अब पता नहीं एडिक्शन कैसे होती है, मेरी ये भी समझ नहीं आता। क्रिकेट बाई द वे जिन लोगों ने बनाई है, उनके ख्याल में ये एडिक्शन है, एडिक्शन वाली गेम बनाई है। अब पता नहीं कैसे यार लोगों को पसंद आती है, मेरे को तो समझ नहीं आता, लेकिन खैर उनकी रिसर्च है, रिसर्च
मेजॉरिटी पे हिट करती है शायद, मैं उस मेजॉरिटी का सम टाइम होता है ना ऐसे, कोई एक बंदा एक्सेप्शनल होता है तो उस पर वो चीज़ काम नहीं करती है ना। मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी बंदे से निगोशिएट कर रहे हैं ना, निगोशिएट कर रहे हैं आप किसी बंदे से, आपने कोई कपड़ा वपड़ा ख़रीदा, कोई चीज़ ख़रीदी, आप कह रहे हैं ज़रा पैसे कम करो, तो उसके अंदर ये होता है कि आप अगर उस बंदे को निगोशिएट करते हुए ना, आप उस बंदे को टच करेंगे अगर, सही है, जैसे कंधे पे हाथ रख दिया आपने या उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया यूँ, ठीक है, या किसी भी बॉडी में उसके आप अगर टच करके उसको निगोशिएट करेंगे ना, तो बंदा पिघल जाता है, ये साइकोलॉजी है, सही है। लेकिन ये चीज़ हर बंदे पे काम नहीं करती, मेजॉरिटी पे काम करती है, हर बंदे पे नहीं करती, ठीक है। आप ऐसे कंधे पे यूँ हाथ डालो उसके और फिर आप निगोशिएट करो, एकदम वो नीचे आता है बंदा, ठीक है। वो यानी वो बंदा जो है ना साइकोलॉजिकली उसको एक हिट मिलता है और वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, परेशान नहीं हो जाता, एक्चुअली उसको अपनाइयत फील होती है, उसको आप जब टच करते हैं ना तो उसको अपनाइयत फील होती है, और वो अपनाइयत जब फील होती है तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं कि बंदा फिर ना, बंदे का जो जो रैशनल जो दिमाग है वो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है कुछ देर के लिए। हाँ, क्या कहते हैं, प्रॉक्सिन, हाँ हाँ इस तरह के कुछ वो केमिकल्स हैं। तो वो भाई ब्रेन आपका जो है वो बड़ा वेयर्ड है, वो कब क्या करता है। तो वेल चलो वापस आ जाते हैं इधर। अच्छा, तो हमने अब करना क्या है, हमने अब करना ये है कि हमारा जो ये कंपोनेंट हमने बनाया है ना, ये वाला वेदर कार्ड वाला, अब इसके ऊपर वी आर फ्री टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ सीएसएस। चलते हैं इसके अंदर, हम ये वेदर कार्ड के अंदर आ गया मैं, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ सीएसएस लगाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई क्लास नेम, और मैंने कहा कि जी वेदर कार्ड, ठीक है। अच्छा, वेदर कार्ड मैंने कह दिया इसको। अब वेदर कार्ड कहने के बाद मैंने क्या करना है, इस पर सीएसएस जो अप्लाई करनी है, तो सीएसएस की फ़ाइल ये आ गई। अच्छा, इसको मैं साइड बाय साइड अगर खोल पाऊँ सीएसएस की फ़ाइल को, कैसे खुलता था साइड बाय साइड, हाँ ये साइड बाय साइड खुल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, मेरे पास एक कंपोनेंट है और यहाँ पर उसकी सीएसएस है, तो मैं कहता हूँ कि जी डॉट वेदर कार्ड, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ, वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है। तो ये बॉर्डर बन के आ गया इसके ऊपर। अच्छा, ये ज़रा काफ़ी आपस में चिपके हैं, तो इसको मैंने कहा कि यार मार्जिन, ठीक है, टू आर एम मार्जिन हो गया इनके आपस में, चारों साइड से ना मार्जिन पड़ गया उसको, ठीक है। पैडिंग भी मैं दे देता हूँ कुछ, इसको पैडिंग मैं कह देता हूँ 1.5 आरईएम, सही है जी, पैडिंग पड़ गया इसको। अब मैं इसको क्या दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 1 आरईएम, सही है, बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने इसको। अब देख रहे हो, ये मेरा कंपोनेंट अब पूरा तैयार होता जा रहा है। अब अच्छा, ये कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट है, इसको मैं अपनी ऐप में किसी दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं ख्याल रखता हूँ कि मैं इसमें फिर वेदर कार्ड नहीं लिखता, मैं इसमें लिखता जस्ट कार्ड, और इसको मैं ऐसे बनाता कि मैं इसको कहीं और भी यूज़ कर सकूँ, ठीक है। लेकिन इस केस में मैंने क्योंकि इसका वेदर कार्ड नाम रख दिया है, तो अपनी ऐप में किसी और जगह भी अगर वेदर ही डिस्प्ले कराना होगा तो मैं इसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करा सकता, ठीक है। ये हो गया जी, मैंने ये पैडिंग शैडिंग इसके अंदर लगा दी, और इसके अंदर जो है वो जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये सिटी नेम वेम ये सब, इसको मैंने थोड़ा चेंज करना है। अच्छा, इस पर ना बॉर्डर नहीं लगाते हैं, इस पर लगाते हैं एलिवेशन। एलिवेशन की कौन सी वेबसाइट थी यार, सीएसएस, एलिवेशन सीएसएस स्कैन थी मेरे ख्याल में, क्या बोला तुमने इंग्लिश में। हाँ, ये 93, सही है भाई, सही बोला था तुमने, 93।
अच्छा, इसमें से हम कोई एक एलिवेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी वाली अच्छी थी इसमें से? ये वाली को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 43 को सेलेक्ट कर लिया मैंने फ़िलहाल, और हम क्या कर लेते हैं, अच्छा मुझे कोड इधर चाहिए और ब्राउज़र इधर चाहिए, और मैं कहता हूँ ये लगाओ, सही है, बॉक्स शेडो। मैंने कहा यार ये बॉर्डर नहीं लगाओ, बॉर्डर हटा दो। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, सही है। अच्छा, इसका मैं अब वो बॉर्डर रेडियस भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये बगैर बॉर्डर रेडियस के भी अच्छा लगता है ये, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अच्छा, ऊपर वाला ज़रा अभी पुराने स्टाइल के ही है, लेकिन मैं इस कंपोनेंट को फ़िलहाल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक दो सी एस एस हम और लगाते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यार इसके अंदर ना क्या हो सकता है। और अच्छा, मैंने कहा कि ये जो टेम्परेचर है ना, जो इसको क्या करो, एक डिव में रखोगे आप, और इसको डिव में रखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना इसको नाम दे दोगे आप, क्लास नेम और टेम्प, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई वेदर कार्ड के अंदर जो डॉट टेम्प है उस पर क्या कर दो, उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 2 rem कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे उसमें सेंटीग्रेड भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ये सेंटीग्रेड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे कीबोर्ड में भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर है, तो इसलिए मैंने जाके गूगल से कॉपी कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये अब दिख रहा है मेरे पास। अच्छा, सिटी नेम भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि सिटी का नाम जब वो वैसे ही लिखा होता है तो पता लग रहा होता है, ठीक है। तो ये सिटी नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, BR लगाता हूँ, और BR लगा के कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि कंडीशन वेदर की, ठीक है। उसके अलावा और क्या डिस्प्ले करा सकता हूँ मैं, कोड विस्परर क्या हो गया, चल रहा क्यों नहीं है कोड विस्परर, ठंडा हो गया। यार ऑल्ट ये वाली, नहीं ये तो वर्ड रैप लग गया ना यार, वर्ड रैप इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, वर्ड रैप, बट वर्ड रैप इसका हल नहीं है, वर्ड रैप इज़ नॉट अ गुड थिंग, सही है। चलो ठीक है, अभी हो गया फ़िलहाल के लिए, लेकिन वर्ड रैप इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखो ना ये पूरा कोड कचरा कर दिया ना इसमें, होना ये चाहिए असल में कि ये डिव है ना अगर यहाँ पे ये, और ये इधर क्लोज हो रहा है, तो इसको जो है ना वो ऐसे होना चाहिए, ये देखो वापस ऊपर जा रहा है ना ये असल में इसके लिए एक अंदर सेटिंग होती है कि जो है ना कितने कैरेक्टर के बाद लाइन को ब्रेक करना है। तो आप नोट करना जब लाइन ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, देखो मैं वापस जाऊँगा ना इसमें app.js में, 40 कैरेक्टर्स पे जाके वो लाइन ब्रेक करता है ना, तो वो असल में चक्कर ये वाला है कि वो मेरे पास ना 40 कैरेक्टर्स पे नहीं ब्रेक कर रहा है, और वो मेरी स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। वो मैंने ढूंढा सेटिंग, मुझे मिली नहीं, इसको कैसे कम, नहीं उसको चेंज कर सकते हैं ना, 40 नहीं है असल में, वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 80 या 100 होता है, टॉगल रैप के नाम से, नहीं वो लाइन की एक लिमिट होती है। मैंने उस दिन सेटिंग ढूंढी ना, तो मुझे देखो वो मिल गया, ये क्या कहते हैं, ये लकीर देखो बनी हुई आ रही है, एक लकीर देख रहे हो, ये बनी हुई आ रही है, ठीक है। अब इसमें मैं मोस्ट प्रॉब्ली वो मारूंगा ना, क्योंकि मेरी देखो ये इस लाइन से आगे गई हुई है, CSS बहुत आगे गई हुई है। अब मैं यहाँ पे आके वो फॉर्मेट करूँगा ना, तो उसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बहरहाल नहीं आ रही है, क्योंकि शायद CSS के अंदर यहाँ पे लाइन ब्रेक कर भी नहीं सकते, शायद हम कर सकते हैं क्या, अबे ऑल्ट रैप नहीं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर नहीं जा रही, इसको मैं देखो फॉर्मेट कर रहा हूँ ना, इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ, ये ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि वो लाइन से आगे है, प्रीटियर ही किया हुआ है मैंने, ये देखो इसमें ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन ये इसमें ऊपर चली जाती है,
इसमें मैं इसको क्या करता हूँ, अभी तो मैंने वो ऑल्ट जेड दबाया हुआ ना, ये मैंने वर्ड रैप हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार ये इधर से नीचे आओ और इधर से नीचे आओ, और अब मैं फॉर्मेट करता हूँ ये वापस ऊपर जाता है, सही है। तो ये वाला इसके अंदर चक्कर हुआ हुआ है इस वक्त। किसी को पता है अगर कि वो, यानी जैसे एक सर्टेन लाइन के बाद मैं उसको अगर ब्रेक मारता हूँ तो वो रहता है ब्रेक, उससे पहले नहीं रहता हूँ। तो इसका एक नाम होता है असल में, ये कोडिंग के अंदर ना बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये चीज़ फॉलो की जाती है कि जी अगर आपका जो कोड है ना वो अगर 80 कैरेक्टर से हॉरिजॉन्टली बड़ा हो गया है, ठीक है, तो आप लाइन ब्रेक करते हैं उसके अंदर। उसका बेनिफिट ये होता है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आता, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो इज़ नॉट अ गुड थिंग इन कोडिंग। वेबसाइट के अंदर भी इट्स नॉट अ गुड थिंग, वेबसाइट बनी हुई वेबसाइट में भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, बैड मतलब अगर बैड क्वालिटी है वो समझ लो, ठीक है। तो लेकिन वो सेटिंग जो है ना मेरे से क्या हो गई है, आगे पीछे हो गई है, शायद वो अपडेट अपडेट हुआ है वीएस कोड और पीछे की सेटिंग ये छिड़ गई है। मैंने की थी बहुत ज़माने पहले, तो अब वो मैंने ढूंढा, वो मुझे मिली नहीं दोबारा, तो तसल्ली से देखूंगा उसको, ढूंढूंगा मैं सेटिंग को, ठीक है। रूलर मुझे मिल गया 80 कैरेक्टर पर, मैंने रूलर लगा दिए, लेकिन वो रूलर इसलिए लगाते हैं कि बंदे को खुद पता हो हाथ से अगर बंदे ने करना हो, लेकिन अब तो हम ऑटोमेटेड है ये सारा, तो ये वाला सीन है भाई। अच्छा, तो मैंने कुछ एक दो चीज़ें और यहाँ पे क्या कर दी, डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं पार्शली क्लाउडी, और यहाँ पे अच्छा विंड को मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि विंड है ये, वरना पता नहीं लग रहा है कि क्या है, सही है। विंड को मैंने मेंशन कर दिया। एक आध चीज़ और यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, क्या ख्याल है। बीआर कर दिया मैंने, कोड विस्परर मुझे कुछ सजेशन दे, ह्यूमिडिटी मैंने करवा दी, सही है ह्यूमिडिटी। अबे क्या कर रहा है ये, अच्छा ये डिव को ना क्लोज़ नहीं करता ये बेवकूफ़, ठीक है। विंड डिस्प्ले करा दिया मैंने और ह्यूमिडिटी को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मुझे शायद बीआर लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिव का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक नई लाइन में शुरू होता है, तो मुझे बीआर लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये एक मेरा अच्छा सा कार्ड बन गया। अब इसके अंदर मैं छोटी सी एक फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, छोटी सी फ़ोटो मतलब कि वेदर अगर मेरे पास क्लाउडी है तो उसके हिसाब से फ़ोटो इस जगह पे आ रही हो, ठीक है। अगर कुछ और है तो उसके हिसाब से आ रही हो, वो मिलती है इसके अंदर इमेज, ठीक है ना। तो उसको भी हम ओपन वेदर डेटा से उठाया ना हमने API, तो आ जाओ फिर ओपन वेदर डेटा के अंदर हम वेदर API लगाइए हमने। अच्छा चलो फिर इसी के ऑब्जेक्ट के अंदर देख लेते हैं हम कि कहाँ पे मुझे वो इमेज कहाँ पे दे रहा है ये। हाँ कंडीशन के अंदर है, अच्छा ये पूरा मुझे देता है जी, नहीं स्लैश वेदर तक दे रहा है ये तो। ओके गॉट इट। तो मैं क्या करूँगा, इस टेम्परेचर के एन नीचे, यानी कि जहाँ पे ये टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये पार्शली क्लाउडी जो है इसके दरमियान के अंदर मैं वो लगाऊंगा, ठीक है फ़िलहाल के लिए। तो आ जाते हैं, सही है। और मैं कहता हूँ कि जी इमेज, और मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ऐसे ये वाला काम करूँगा मैं, ठीक है। और आइकन के नाम से था ये, आइकन के नाम से था, सही है। ये मैंने लगा दिया आइकन, अच्छा ये डिस्प्ले हो गया। ये क्या हुआ, आल्ट को अलग से क्यों दिख रहा है, अच्छा वो डबल डबल कर दिया उसने, तो मेरे पास ये इस तरह से दिखने लग गया, ठीक है जी मच बेटर। अच्छा जब ये इसको हिट करता है तो ये HTTP कहाँ से आता है, एक्चुअली उसका जो मतलब है ना, बगैर HTTP के मतलब जो है, उसका मतलब ये होता है कि लोकल होस्ट पे अगर मैं चल रहा हूँ ना तो मेरे पास HTTP है, और अगर इस पर नहीं होगा तो HTTPS होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जिस पेज पे खड़ा होगा उस पेज के हिसाब से पकड़ लेगा। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये वेदर जब ये हिट होता है तो ये कैसे आता है, ठीक है। ये 3 PNG उठाई ना इसने, ठीक है, तो ये HTTP इसने ख़ुद से समझ लिया, ठीक है। जब वो स्लैश स्लैश करके लगाया हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि इस पेज पे जिस पे मैं खड़ा हूँ इससे पीछे ऑटोमेटिकली वो खुद लगाएगा। जैसे हमने सर्वर पे पढ़ा था ना कि सिर्फ हम जब स्लैश वेदर देते हैं जब, तो वो उसका मतलब होता है कि बेस URL इस वक्त जो पेज पे है वो, और उसके बाद स्लैश वेदर, ये मतलब है ना। तो इसी तरह इसका मतलब जो है वो ये है, ठीक है जी।
तो गुड इनफ हमने ये बना लिया। अच्छा अब जी हमारे पास जो है ना ये तो मसला चलो हल हो गया, हमने यहाँ पे कार्ड बना लिया, ये कार्ड इन्फिनिटली जो है वो पोर्टेबल हो गया ये, और इसको मैं कहीं पे भी चाहूँ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा अब दूसरा सीन ये है मेरे पास कि मैंने क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है आ जाओ अब यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर।